और हिरण्यकश्यप जब नीचे होकर के निकला तो तोता ने जो राम कही, हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, ये तो मेरे दुश्मन का नाम आ रहा है। और दुश्मन का नाम कान में आ रहा है तो सगुन बना नहीं है, अब कल ले जाऊंगा। एक बात जीवन में ध्यान रखना, पक्षी भी भजन करते हैं। अब पक्षी भजन करें और इंसान नाम तक ना ले, सुनो पक्षी कौन सा, तीतुर देखा है किसी ने? देखो है का कहते तो पेड़ पे। अब सुनो, तीतुर जब बोले तो हमेशा बेटा ध्यान से सुनना, तीतुर कहता राम तेरी कुदरत, बिल्कुल सुनाई देता है स्पष्ट। पर समझने में अंतर कैसे पड़ जाता है कि तीतुर बोल रहा था पेड़ पर राम तेरी कुदरत, पंडित जी आ रहे थे मंदिर से, सो पंडित जी ने कही कि तीतुर कह रहा राम तेरी कुदरत, और बाई समय पहलवान जी आ रहे अखाड़े में थी जोर करके, उनने कही बाबा तुम गलत कह रहे हो, तीतुर कह रहे हो दंड बैठक कसरत। एक लाला जी आ रहे पर सामान बेच के पेंट दे, उनने कि तुम दोनों गलत कह रहे हो, तो तीतुर कह रहे हो नून मिर्च अदरक। जैसी जिसकी भावना वही सोच बनती है, लेकिन सत्यता यह है कि तीतुर बोलता राम तेरी इसे बोलता। चलो बेटा लाइन लगा खड़े हो जाओ। तो आज जिस समय हिरण्यकश्यप पीछे लौटा है और रानी के आधु दरवाजे पर खड़ी है, उसने पूछा कि महाराज तुम तो तपस्या करने गए थे पर लौट के कैसे आए? हिरण्यकश्यप ने कही कि तोता भगवान का नाम ले रहा, राम का नाम ले रहा, श्री हरि का नाम ले रहा है, और वो मेरा बैरी है, उसने मेरे भाई को मारा है, तो दुश्मन का नाम कान में पड़ा, इसलिए मैं लौट के आया हूं, अब कल ले जाऊंगा। सुनो सभी माता बहनें, नारी को कितना चतुर होना चाहिए। अब क्या जो विचार करती है मन में कि मेरे पति के मुखारबिंद पर राम को नाम आओ तो सही, आज राम का नाम इनके मुंह पे आया है तो मेरे भवन में कोई ना कोई बढ़िया कर्म बनेगा, बढ़िया कर्म बनेगा। तो आज कह रही है महाराज तो ठीक है कल चले जी, रुक जाओ। तो देखिए राजा को रोका किस तरह से और कर्म क्या हुआ राम का नाम कहने से, कैसे? अरे राजा को अब रोक लिया, अब रात हो न आई है, बात है भूल गई तुम किन्ने लौटाते, तुम जंगल को तपस्या करवे गए किन्ने लौटाए? हिरण्यकश्यप ने कहा तोता राम राम कह रहा था सुनी ना है, ठीक है महाराज अब ना भूलूंगी, अब याद है क्या? अरे थोड़ी रात और बीती तब अर्ध रात है आई है, और चादर खींच दही करते जन संया लहो जगाई है, सो यहां तक जोर के फिर पूछी मेरी समझ में आई है। महाराज सोए गए, ए सुनना रे सोए गए? हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ बता ना सो गए, क्या बात है? कि बात के चुनाव में बाबा था भूल गई तुम किन्ने लौट आए। हिरण्यकश्यप ने लाल आंखें करके कही क्या तोता राम राम कह रहा था सुनी ना है, महाराज अब याद है ना भूलूंगी सो जाओ क्या?
अरे थोड़ी राती और उठी थी तब ब्रह्म मुहूर्त आयो है और चादर खींच दही करती सो बदती पिया जगायो है सो यहाँ तक जोड़ की फिर पूछी मेरी नाए समझ में आयो है ए सो रहे हो कि जग रहे हो हिरण कश्यप ने की तेने आज नींद को दही बना दो का बात है मारा तुम्हारी सा नाराज मैं तुम्हें बात है भूल गई तुम किन्ने लौट आए तोता राम राम कह रहा था सुनी नहीं क्या अरे राम राम खुद बोली रही और राम पिया बुलावायो यो तो वो रति राम भाई सोई राम यो दरमी आयो है बोलिया सच्चिदानंद भगवान की जब सूरज ने किरण पसारी और तब भेजा रहो बलधारी मुहूर्त तब आता है तब राक्षसी पहरा हट जाता है राक्षसी पहरा और एक बात और ध्यान से सुनो हमारी कही वही ना मानो तो सब नौजवान बच्चों बेटा गूगल पे इस बात को डाल के देख लेना मोबाइल पे 3 बजे से और 5 बजे के बीच में जिनकी नींद खुल जाती है उनके लिए भगवान क्या संकेत करना चाहता है देख लेना डाल के अबे ही देख लियो चाहे सांझ को देख लियो चाहे सवेर देख लियो 3 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुल जानी चाहिए हर कीमत पे तो भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा है और 5 बजे के बाद और 8 बजे तक वे माताएं ध्यान से सुने बेटा पे अगर प्यार करती हो घी खवाओ दूध खवाओ बादाम खवाओ छुआरे खवाओ बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनाओ एक तेक ऊंचे स्कूल में पढ़ाओ पर वो मेहतारी सबसे बड़ी दुश्मन है अपने बेटा की क्या सूर उदा होने पर और चादर उड़ा देकर लेला तू ने को सोले सानी तो मैं दया आऊंगी वो सबसे बड़ी दुश्मन है अपने बेटा की सूर उदा होने पर जो नींद में नौजवान बच्चे सो जाते हैं और जितनी देर सो जाते हैं उतनी देर चेहरा की चमक को सूर्य देवता खा जाते हैं हमेशा ध्यान रखो 3 से 5 इतने बीच में जो जग जाते हैं भगवान की कृपा दृष्टि उन पर सबसे ज्यादा होती है सबसे ज्यादा प्रयास करो और तुम संकल्प लो भगवान के नाम से 3 से 5 के बीच में जगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन आप प्रयास करेंगे तो आपको अभ्यास पड़ जाएगा चाहे रात को तुम 1 बजे तक जगो और फिर भी आंख 5 बजे से पहले ही खुल जाएगी बिल्कुल खुल जाएगी अगर आप भगवान पर विश्वास करते हो तो जीवन में ध्यान रखना बहुत लोग कह देते हैं कि कैसे मान लें कि भगवान है कछु कहते हैं हम तो देखो ही ना है अच्छा उनसे एक बात पूछना जो ये कह दें कि भगवान पर विश्वास नहीं है तो जी पूछो जहर पर विश्वास है तो कह देंगे हालांकि हाँ जहर पे तो है क्यों कि जहर खाए हुए थे मच जाते हैं तो एक आध मेरे खाओ है का बाहरी दुनिया तुझे जहर पे विश्वास हो गया पर तुझे भगवान पे विश्वास नहीं हुआ अच्छा सही बता हवा को किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा लेकिन हवा को महसूस किया जाता है इसी तरह से जैसे हवा को महसूस किया जाता है इसी तरह से परमात्मा को भी महसूस किया जाता है क्या परमात्मा है और देखो अभय जी हमारे लोकेंद्र शास्त्री आए कमंडल लेके तो इनने कही के वो हमारी बुराई कर रहे कि हम 8 पासनाएं 8 फेलाएं तो मिन्ना बाबू जी है मेरे पास हो और का कहें बताओ अच्छा फिर अब बताओ तुम के पास हो 8वीं क्लास से नीचे का सवाल है जो 7वीं क्लास में विद्यालय में पढ़ाया जाता है ये खुद बता दें कि हवा का रंग कैसा है गुरु जी ना यार
ध्यान से सुने बच्चे सभी, बेटा मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, शिक्षा पे विशेष ध्यान रखो। और देखो पढ़ाई वैसी मत पढ़ियो आईनु कैसी, बालक को इंटर को सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए तो अब लड़का ना दिखा ताते पहले बाप दिखा तो है ब्यावाय आ जाता देना। ए ललान इंटर कर लिया देख लो जेरो तब पीछे तो रुपया मांगा तू है। पर बेटा पढ़ाई ऐसी करियो कि कब कंपटीशन में पास हो जाओ, नौकरी के लिए कोई इम्तहान दो उसमें पास हो जाओ। ऐसी ना है कैसी कि जे हमारे लोकेंद्र बार दो लड़का अहिनु के और भैंस चराए, बालक चराता ही भैंस है, सो डंडा हाथ में लेकर जो निकल के चले जो बालक बात को बताए हेलो। अब बेटा ध्यान से सुनो, क्या भाई दोनों लड़का चले भैंस चराए उस जंगल में जाके मन करो कि इरे आज तो जलेबी पे मन कर रो है, फिर जलेबी का सेंत में तो मिल जाएंगे। सो हमारे लोकेंद्र बाबू ने की के देख दशकों नोट वो पचल सो चल रहे। अब एक ने कही कि जलेबी खावे तो चल रहे हो, फिर जब भैंस को घे रहे हो तो तक हमारे यज्ञपति महाराज आ रहे लट्ठू लेके पलंग ते सो बिनती की ए चाचा ने कहते तुम हमारी भैंसे देख रही हो, मैं जलेबी खाया हूं चौराहे पे। बिन ने कही महाराज सिंह ने कहा सेंत में थे के तो के 10 रुपया लगेंगे, सो वो 10 का नोट हथकाओ बिना बसो बिने पकड़ा दो। अब जलेबी की दुकान अब पहुंच गए, दुकानदार कैसे कहे हमारे मियाँ जी अतक से, सो कही हाँ बाबा जलेबी का भाव देंगे, मियाँ जी बोले 10 रुपया एक शेर। पहले भाई ने कही तो ऐसा करें चाच से दे दे, सो चाच से जलेबी तुलवाए को मई नंबर लगा दो तो तक दूसरो आए गो भानी की हाँ बाबा जलेबी कैसे नहीं के 10 रुपया एक शेर तो 6 शेर दे दो। सो 6 शेर बड़ी भाई पन्नी भरवा के और तुलवा के और लम्बे पर गए गल पे। मियाँ जी पीछे थे कहे रुपया बुना देखो पीछे हूं, फिर दही एक बार आ जाए 6 किलो जलेबी लेने जा रहा रुपया माने, फिर उन्हें लौट के देखो तो बिन तखरी बाट छोड़ के और भाज को पीछे तो पकड़ लो रुपया तो नहीं जा 6 से जलेबी लाओ है। सुबह ने पीछे को मुरख के लोकेंद्र बाबू बोले कर डोकरा दिमाग बिगड़ गया, 6 से रखे 60 को नोट दो ना मैंने, अब बताओ 60 को नोट हो तो है 6 शेर को 60 का नोट मई दो मैंने। मियाँ जी बोले का पागल हो रहा तेने का ठंडी ना दई, सो दौड़ में माल बाने बाको गले बाने पकड़ो बाने बाको तो जो मार कुटाई भाई बच्चोराए पे वो दीवान जी ठाड़े सोड़ ने दो पकड़ ले। कैसे लड़ रहे हो? अरे क्या बाबू जी 6 किलो जलेबी ले आओ या रुपया ना दे आओ। लोकेंद्र बोले का त्याई किसम खा रहा दीवान जी मेरे 60 का नोट मई दो है और तुम न मानो तो गवाह हो पाए एक माँ बैठो खाऊ रो है बात पूछ लो। सो दीवान जी दोनों ने पकड़ लाए अनजान तबे उना के 60 का नोट होतो है, सो वो एक को खाए रो काऊ माँ बैठो ताने अध्याय दिन तो तक। सो दीवान जी बोले इतना जाने जलेबी तुलवाई तब तू हतो जा, उन्हें कहा हाँ हतो तो इन्हें मैं आपस ही में लड़ाई हरी है, जी कह रहे हो 60 का नोट दो और जे लाला कह रहे हैं कि एक रुपया ना दो तू बता। सुबह ने मुंह पहुंच के कही पहले बार ने कहा ओ मियाँ जी भैया ऐसा करियो कि जाके 60 के नोट के चक्कर में मेरे 100 किया मत भूल जाइयो तुम। अब बिन्ने विचार करो लाला जी ने कि मैं जाके 100 किया ना ही कतू तो लठ जरूर पड़े और दीवान जी मारेंगे कि जी झूठ बोल लो तो जो बोल लो। ओ भैया क्या 100 को तो याद है मुझे याद है तो फिर लड़का ही गुरा ऐसा कर 4 शेर के 40 मेरे काट ले और 6 शेर के 60 जाके काट ले मामलो बराबर। तो भैया ऐसी पढ़ाई तो पढ़ियो मत ताते का काम की न रहे, बेटा उस पढ़ाई को पढ़ के जाना कि जिस भी कंपटीशन में आप बैठ जाएं बिल्कुल तीर की तरह से पार चले जाओ तो पढ़े वो है ब्याह के दिन पढ़वो काबू तो रुपये तू मार्ग सीट बन जाते।
बाको कोई मतलब नहीं। श्रोता बंधु आज जिस समय तपस्या की हण का सपना